नमस्कार किसान भाइयों डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हुए डी विदामा के साथ कुछ किसान भाइयों के देखिए बार बार कमेंट आए हुए हैं कि हमारी जो सरसों की फसल है उसमें खरपतवार उगाए हैं तो इनका क्या इलाज किया जाए यानी कि इनमें कौन सी दवाई लगाई जाए ताकि ये इन खरपतवारों का सफाया हो सके तो इस बारे में किसान भाई आज बात करने वाले हैं अगर आपके सामने भी कुछ ऐसी समस्या आ रही है तो आपके लिए वीडियो खास होने वाली है तो चलिए किसान भाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं किसान भाइयों जो हमारी खरपतवार नियंत्रण दवाइयां हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये देखिए सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है टू फोर डी का इसका काम क्या है किसान भाइयों जो हमारी फसल में चोरी पत्तियों की खरपतवार उगाती है यानी कि जिनके पत्तियाँ चोड़ी होती हैं उनको मारने में सक्षम है और उनको बिल्कुल नष्ट कर देती है और दूसरी दवाई आती है किसान भाइयों मेट्रोविजन ये अन्य कई नाम से भी आपको मिल सकती है मैट्रिक के नाम से अधिकतर किसान भाई इसको जानते हैं और ये मैट्रिक के नाम से आपको दुकान या बाज़ार से मिल भी जाती है तो किसान भाइयों इसका काम क्या है ये जो हमारी बारीक पत्तियों की खरपतवार होती है इसको मारने में सक्षम है इसको नष्ट कर देती है और किसान भाइयों कई बार हमारी फसल में क्या होता है कि दोनों तरह की खरपतवार उगाते हैं कुछ चौड़ी पत्तियों के और कुछ बारीक पत्तियों के तो किसान भाइयों इसका हम उपयोग करते हैं दोनों को एक जगह मिलाकर तो ये उनका सफाया कर देती हैं लेकिन किसान भाइयों इनका उपयोग हम कुछ ही फसलों पर कर पाते हैं जैसे कि हमारा गन्ना हुआ और गेहूं की फसल लेकिन किसान भाइयों इनमें भी हम बहुत ही कम मात्रा में इनको मिला कर देते हैं वरना अगर हम इनको अधिक मात्रा में दोनों को मिला कर डाल दें तो हमारी गेहूं की फसल या गन्ने की फसल ये ख़राब कर सकती है यानी कि हमारी फसलों को ये सुखा सकती है बर्बाद कर सकती है तो किसान भाइयों बहुत ही कम मात्रा लेकर के इनको डाला जाता है और अन्य जो फसलें किसान भाइयों जिसमें हम इनको नहीं डाल सकते उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं जैसा हमारी सरसों की फसल है किसान भाइयों मटर की फसल है और मक्का चना कपास आलू और जो हमारी साग सब्जियों की फसल होती है किसान भाइयों सभी तरह की जो जितनी भी साग सब्जियाँ हैं टिंडा भिंडा और इनमें खास करके जो किसान भाइयों फसल आती है वो आती है हमारी लौकी की जो बेलवर्गीय हैं और तोरई इनमें तो किसान भाइयों बिल्कुल भी इसको नहीं दिया जाता देने की तो किसान भाइयों बहुत दूर की बात है इन फसलों की अगर आप इस दवाई को किसान भाइयों अपने खेत के पास लेकर गुजर जाए यानी कि ढक्कन खोल करके इस दवाई की शीशी का अपने खेत के पास रख दें तो कुछ पौधे तो केवल सूंघने मात्र से इसके मर जाते हैं कई बार किसान भाइयों ऐसा होता है कि दूसरी साइड में हमारे जो सरसों का खेत है या अन्य जो मैं फसलें बताई इनका खेत होता है और उसके पास में कोई गन्ने वगैरह का खेत है उसमें हम इन दवाइयों का स्प्रे करते हैं और किसी कारणवश हवा हमारी जो सरसों का फसल का खेत है उसकी तरफ चल रही होती है तो केवल कुछ परसेंट इसकी दवाई का हवा में असर आ जाता है उसी से हमारी किसान भाइयों फसल बर्बाद हो सकती है तो अगर आपके किसान भाइयों खेत में सरसों की फसल में कुछ खरपतवार उगाए हैं तो आप उन्हें खुरपी वगैरह की मदद से या हाथ से उखाड़ सकते हैं इसके अलावा कोई दवाई आप अपने खेत के पास बिल्कुल भी लेकर ना जाएं। तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी और आने वाले में समय में किसान भाइयों देखें हम अपनी गेहूँ की फसल उगाने वाले हैं उसमें भी काफी खरपतवार उगाते हैं और उससे सीधा असर हमारी जो है गेहूँ की पैदावार पर पड़ता है तो किसान भाइयों मैं आने वाले समय में इसके ऊपर जानकारी दूंगा कि इन दवाइयों की आपको कितनी मात्रा लेकर अपनी गेहूँ की फसल में डालनी है ताकि आपके गेहूं का कोई नुकसान ना हो और ये खरपतवार आपके फसल से सारे के सारे नष्ट हो जाए और आपको अपनी गेहूं की पैदावार काफी अच्छे से मिल सके तो यह सब जानकारी जानने के लिए किसान भाई आप डी गार्डन चैनल पर बने रहे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो काली सी घंटी आती है किसान भाई इसको जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके तो किसान भाई ये थी एक छोटी सी जानकारी एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलता है तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार